नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईटीन में। मैं बोल के सक्षण आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज आईटीन के सुबह सवेरे की ओर। एसडीएम भवानी सिंह ने घोषित किया जीरो मोबिलिटी कंटेनमेंट कर्फ्यू क्षेत्र। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालचोट के गंगापुर सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा होते होते टला। फर्जी सब इंस्पेक्टर कथित एसपी के नाम से करता था वसूली। मानपुर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार आरोपी की कार से बरामद हुई एक पुलिस की वर्दी, बेल्ट, कैप और वॉकी टॉकी। वहीं सिकंदरा के अंदर सैन जी महाराज के मंदिर प्रांगण में किया गया वृक्षारोपण। समाज सेवी ने मंदिर परिसर में की साफ सफाई। वहीं आपको बता दें कि सिकंदरा के अंदर राजकीय अस्पताल के मुख्य गेट पर बहता है नाले का गंदा पानी। अधूरे पड़े नाले के कारण नहीं हो पा रहा पानी का विकास। आपको बता दें कि 19 अगस्त को नगर निगम जयपुर में इंदिरा गांधी रसोई योजना के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा एवं नगर निगम ग्रेटर एवं हेरिटेज के आयुक्त महोदय ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा कोई भी भूखा ना सोए। आज बल्लभ राम शर्मा मानव सेवा समिति अऊ के अध्यक्ष लक्ष्मण कुमार शर्मा ने गांव बहज के पीएससी में एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर और 5 फंक्शन इलेक्ट्रिक आईसीयू बेड लगभग 1.25 लाख लागत का दान किया। सिविल लाइन फाटक से आगामी 3 दिनों रहेगा आवागमन निषेध। सिविल लाइन पानी की टंकी तोड़ने का चला रहा था कार्य। आमजन की सुरक्षा में यातायात समानांतर मार्गों पर रहेगा डाइवर्ट। राजगढ़ के अंदर नगर पालिका की नल जल पाइप लाइन टूटी। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आईटी। नमस्कार।